जब धरती पर कोई संकट आता है, भगवान किसी ना किसी रूप में लोगों को आगाह करने के लिए संदेश पहुंचाते हैं। देश सहित पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है, इसलिए बांसवाड़ा के गणेश भक्त मंडालो की तरफ से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पौधे लगाते हुए श्री गणेश और मूषक की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस प्रतिमा के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। पंडाल में श्री गणेश को पेड़ बचाते हुए और पेड़ पर पक्षियों को घोंसला बनाते हुए दिखाया गया है। इन प्रतिमाओं पर पक्षियों को बचाने, पेड़ों को ना काटने, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और जल संरक्षण का संदेश देते हुए पोस्टर भी लगाए गए हैं। जब जब धरती पर कोई संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेते हैं और धरती की जो संकट आया है उसको दूर करते हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो धरती पर पॉल्यूशन और प्रदूषण का काफ़ी प्रभाव बढ़ रहा है और इसको लेकर भगवान किसी रूप में संदेश देते आए हैं। अभी गणेशों से चल रहा है। अब बांसवाड़ा के बागाकोट क्षेत्र में एक गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, इस पर सेव अर्थ सेव ट्री और पॉल्यूशन बचाने के संकेत संदेश दिए जा रहे हैं। इस प्रतिमा का निर्माण के लिए कुछ युवा साथी हमारे साथ में हैं, उनकी क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या उनकी भावना है उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भवानी बेरवा। आपकी क्या मंशा इस प्रतिमा के पीछे, क्या कहना चाहते हो आप? मेरा कहना यह है कि सेव ट्री सेव ऑक्सीजन और पेड़ को काटना, पेड़ एक काटते हो तो दो लगाओ, दो काटते हो तो चार लगाओ, चार काटते हो तो पाँच लगाओ, ये मेरा कहना है। इसी आधार पर हमने ये मूर्ति का निर्माण किया है। क्या कहना चाहते हैं भगवान, क्या कहना चाहते हैं कि मत पेड़ काटो या ऑक्सीजन मत, क्या कहना चाह रहे हैं? ऑक्सीजन को बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, पेड़ जितना रहेगा उतना ऑक्सीजन अपने को मिलेगा। पेड़ पौधे जितने लगेंगे उतने पशु पक्षी जितने भी है सारे जीव जंतु उनको भी ऑक्सीजन मिलेगी और उनके बचने का संभावना ज़्यादा रहेगी। इस वजह से हमने ये मूर्ति का निर्माण किया। आप क्या कहना चाहते हो, ये संदेश क्या दे रही है प्रतिमा दे रही है? हमारा तो मकसद मूर्ति रखने का मतलब यही था कि जैसे जिस तरह से जंगल अभी नष्ट किए जा रहे हैं तो इससे लोगों को यह संकेत मिलेगा कि जंगल कैसे बचाया जाए, पेड़ पौधे कैसे बचाया जाए, किस तरह से जीव जंतु को बचाया जाए और एक लोगों के मन में एक धारणा आएगी कि हाँ यार हम पेड़ पौधे बचा के ये कर सकते हैं। धर्म के साथ में कुछ संदेश देना चाहते हो? हाँ बस, हाँ गणेश जी के थ्रू ये धर्म के साथ वो देना चाहते हैं कि गणेश जी चाहते हैं कि मतलब जंगल बचाए जाए। आपकी मंशा पहले से थी या बाद में प्लान कैसे? नहीं, हमने प्लानिंग की थी सबने कि हम इस तरह से संकेत दे सकते हैं गणेश जी को रुद्र धारण करके। आपने कैसे बनवाई प्रतिमा? हाँ बनवाई ये अपने मंगीलाल जी के वहाँ से। अच्छा, तो आपने पूरा बताया होगा बनाया नहीं है? हाँ ऐसा बनाया नहीं, हमने बताई है जी। आपका नाम क्या है सर? धर्मेश। धर्मेश जी क्या कहना चाहते हैं प्रतिमा आपकी? बस यही है कि चिड़िया को बचाया जाए, बर्ड को बचाया जाए जैसे, और अपने जैसे चिड़िया को ऑक्सीजन का रहता है। आप कुछ कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? नहीं, ये जो गणेश जी जो संदेश दे रहे हो क्या कहना चाहते हो आप? वही पेड़ पौधे बचाओ, वही कहना चाहते हैं उसके लिए। तो हमारे साथ में कुछ युवा अभी, आपका क्या है, नाम क्या है? रणवीर नाई। ये गणेश जी से क्या प्रेरणा लेते हो आप? गणेश जी बोल रहे हैं कि सबको पेड़ पौधे बचाने चाहिए और प्रदूषण कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। अच्छा, आपको प्रेरणा मिली, आपको पौधे लगाओगे? हाँ लगाएंगे। तो देखा आपने कि जैसे बच्चे हैं, युवा हैं, उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए धर्म के सहारे एक संदेश देने की कोशिश की है कि पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है, धरती पर काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, जो वातावरण बदल रहा है, इसका संदेश किसी न किसी गणपति के रूप में देने जा रहे हैं। ये पूरा युवाओं की टीम ने इसको संदेश को देने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर होकर कुछ बच्चे भी संकल्प ले रहे हैं कि वो भी आने वाले समय में पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे। बांसों से एनडीटी के लिए सुभाष मेहता।